दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमितों की घट रही है संख्या। जिले के गौड़ाबौराम और केवटी प्रखंड में पिछले 3-4 दिनों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है, यह राहत की बात है। वहीं जिले के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित प्रखंड बहेड़ी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। हालांकि बहेड़ी में अभी भी सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं। बेनीपुर में भी 3-4 दिनों से पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अब 11 जुलाई को होगी बिहार भी एड प्रवेश परीक्षा, आवेदन की अंतिम तिथि भी बड़ी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 महामारी के चलते संयुक्त भी एड प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 5 जून तक बिना विलंब शुल्क बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 25 मई थी, वहीं अब विलंब शुल्क के साथ 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बी एड प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, अब परीक्षा 15 जून की बजाय 11 जुलाई को होगी। उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे बिहार सेट मूवेन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब तक 1,00,000 से ज्यादा छात्र इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। हालांकि पिछले वर्ष ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। हालांकि निजी संस्थाओं और छात्रों का कहना है कि अभी साइबर कैफे नहीं खुले हैं, इसकी वजह से आवेदन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। कई कॉलेजों ने परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी। बदले शेड्यूल के तहत अब 1 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। फॉर्म कलेक्शन के लिए 9 जून से 10 जून तक समय दिया गया है। जीवन रक्षक 6 मई का होगा संचालन, केंद्र करेगी 72,00,000 खर्च। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि दरभंगा में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU चलाया जाएगा। इस विशेष एम्बुलेंस के संचालन की स्वीकृति भी दी जा चुकी है, जिसके लिए लगातार प्रयासरत चल रहा था। अब जाकर इसे चालू कराने में सफलता मिली। बताया 6 महीने के लिए प्रति महीने 2,00,000 की दर से 72,00,000 की राशि का आवंटन किया जा चुका है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में है। विभाग को कई अहम सुझाव दिए गए हैं ताकि आम लोगों की सेवा व सुविधा के लिए सभी एम्बुलेंस उपलब्ध व कार्यरत हो सके। एम्बुलेंस के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा भी देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से आग्रह किया था, जिस पर तत्काल स्वीकृति मिली है। एम्स पटना से टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की जाएगी। टेलीमेडिसिन के तहत आम लोगों को एम्स पटना के चिकित्सक संवाद करते हुए सलाह देंगे। इस सेवा के माध्यम से मुफ्त दवाइयां, खून जांच एवं कोविड जांच एंटीजन की सुविधा लोगों को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, उनके लिए घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध होगी। उन्होंने मिथिला के केंद्र दरभंगा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU की सुविधा देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। उनके नेतृत्व में कोरोना के विपरीत परिस्थिति में भी भारत मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रमाण है कि 9 महीने के अल्प समय में भारत ने 2 वैक्सीन विकसित की और विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। शिक्षा कार्यालयों में चलता है पत्र का खेल। प्रवक्ता एक प्रतिनिधि TTA/SHT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गुट के प्रवक्ता धनंजय झा ने मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जिले के शिक्षकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वे कार्यालयों का चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, लेकिन समाधान के बदले होता है तो बस पत्र का खेल। आदेशों की फाइलों के नीचे समस्याएं सुलझने के बदले और बढ़ जाती है। जिस समस्या का समाधान एक दिन में हो सकता है उसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। यही हाल है दरभंगा जिले के शिक्षा विभाग के कार्यालयों का। धनंजय ने कहा है कि बाढ़ हो या कोई अन्य आपदा, कोई भी व्यापक कार्य हो या चुनाव, बगैर शिक्षकों के शायद ही कुछ पूरा हो पाता है। लेकिन जब यही शिक्षक छोटी मोटी समस्याओं में घिरते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होने के बजाय उसे और बढ़ाया जाता है। आशय यह कि जिस घाव को एक साधारण गोली से ठीक किया जा सकता है उसे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कैंसर का रूप देकर शल्य चिकित्सा की जाती है। विशेष सचिव CAP MIS शिक्षा विभाग के पत्र को ही देख लें, जिसमें स्थानीय निकायों के शिक्षकों को एरियर देने का आदेश दिया गया। वहीं DPO स्थापना के पत्र पर गौर करें, जिसमें वेतन विसंगति को दूर करने का आदेश दिया गया था। एक आध प्रखंड को छोड़ दें तो कहीं इसका अनुपालन नहीं हुआ है। ऐसे कई सारे पत्र हैं जो स्थापना कार्यालय से जारी हुए, लेकिन उसका अनुपालन आज तक सुनिश्चित नहीं हो सका। जहां कहीं अनुपालन किया भी गया तो उसका समुचित समाधान नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए डीपीओ स्थापना से अनुरोध किया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद एक भी शिक्षक की वेतन विसंगति दूर नहीं हो सकी। उसी प्रकार सैकड़ों शिक्षकों का एरियर विपत्र स्थापना में जमा है, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को हुई क्षति का भुगतान शीघ्र करने की मांग की है। मिथिला से रहा है भगवान बुधवार का गहरा नाता, होती थी पूजा। सत्य अहिंसा करुणा एवं शांति के प्रवर्तक और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुधवार का मिथिला से विशिष्ट लगाव रहा है। शायद यही कारण है कि बौद्ध काल में मिथिला क्षेत्र में भारी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। इसीलिए आज भी गौतम बुधवार की मूर्तियां एवं उनसे संबंधित अवशेष आज भी दरभंगा समेत मिथिला के कोने कोने में मौजूद हैं। दरभंगा के महाराजा अधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय और चंद्रधारी संग्रहालय में भगवान बुधवार की अनेकों अलौकिक मूर्तियां मौजूद हैं। दरभंगा के महाराजा रमेश्वर सिंह भी भगवान बुधवार के उपासक थे। दरभंगा के संग्रहालय में भगवान बुधवार के जन्म का रहस्य तो तहपोष जो बर्मी लकड़ी पर उकेरी गई है, वे दुर्लभ संग्रह समेत अनेक मूर्तियां महाराजा के द्वारा संग्रह किया गया। लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र बताते हैं, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुधवार द्वारा मिथिला भ्रमण करने उपदेश करने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बताते हैं कि छठी सातवीं शताब्दी में उदयोत्कर एवं कुमारिल भट्ट जैसे कुछ मैथिल दार्शनिकों ने बौद्ध धर्म का जोरदार विरोध किया गया था, जिसका प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान धर्म कीर्ति ने गंगा के उत्तर के विद्वानों की निंदा भी की थी। लेकिन पूर्व मध्य काल में जो साहित्य के वन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वे इस बात के अकाट्य साक्ष्य हैं कि श्रीमद्भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण के अलावा वर्ण रत्नाकर में बुधवार को विष्णु का नवम अवतार मानकर सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उदयनाचार्य के गांव करियन, मंडन मिश्र के गांव महिषी, वाचस्पति मिश्र के गांव अंदराठाड़ी, गंगेश उपाध्याय के गांव मंगरौनी के अलावा मधुबनी जिला के लखनौर, मंदपौर, विदेश्वर स्थान, जमुथरी हाटी, जरहटिया, उच्चैठ, खोईर, दरभंगा जिला के कोरथू, देकुली, महिया, नवादा के साथ साथ सहरसा, सुपौल, बेगूसराय, वैशाली, चंपारण से विष्णु, वरा, नरसिंह, अग्नि, उमा महेश्वर आदि की मूर्तियों के साथ साथ अनेकानेक बुधवार मूर्तियां मिली हैं। बताते हैं मिथिला के लोग सनातन धर्म के अन्य देवी देवताओं के साथ साथ बुधवार की भी पूजा अर्चना करते रहे हैं। इस क्षेत्र में अनेक बौद्ध स्तूप एवं विहार के भी साक्ष्य मिलते रहे।